थैंक यू सो मच। दोस्तों इस साल की सबसे बड़ी फिल्म कांतारा पर आया बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर रोहित शेट्टी का रिएक्शन। तो आइए जानते हैं कि बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर ने आखिर कांतारा मूवी को ऐसा क्या कह दिया। दोस्तों कांतारा मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। पब्लिक इसे देखकर ऋषभ शेट्टी की दीवानी हो चुकी है। दोस्तों कांतारा मूवी इसीलिए भी बेस्ट है क्योंकि कन्नड़ा में छोटे बजट के साथ बनी इस फिल्म को गूगल पर सबसे ज्यादा पसंद किया गया है और IMDb पर सबसे ज्यादा वोटिंग भी दी गई है और साथ ही में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये कन्नड़ा की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली मूवी बन चुकी है। जब मूवी इतने रिकॉर्ड तोड़ रही है तभी रोहित शेट्टी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड और साउथ की इस साल से ही कुछ भड़की हुई है, यानी कि दोनों में झगड़ा चल रहा है। एक टाइम ऐसा था जब बॉलीवुड साउथ की हिट फिल्में हिंदी में रीमेक करके पैसे छाप रहा था, लेकिन जब से ये पैन इंडिया अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं बॉलीवुड का रीमेक वाला धंधा तो बंद ही हो गया है। इसीलिए जब भी कोई पैन इंडिया साउथ की फिल्म रिलीज होती है, खास करके कांतारा जैसी छोटी फिल्में, तो ये अपना नेगेटिविटी का झंडा लेकर पहुंच जाती है। हालांकि रोहित शेट्टी जैसे कुछ लोग इन फिल्मों को सपोर्ट भी करते नजर आते हैं। दोस्तों कांतारा मूवी का क्लाइमैक्स लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है। यहां तक कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है कि कुछ लोग ऋषभ शेट्टी के पैरों में गिरकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए ऋषभ शेट्टी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने कांतारा मूवी को थिएटर जाकर देखना भी बंद कर दिया है क्योंकि उनका कहना है कि उनसे ज्यादा उम्र वाले लोग जब कांतारा मूवी को देखते हैं तो खुशी से उनके पैर पकड़ लेते हैं और उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उन्होंने थिएटर जाना ही छोड़ दिया। अब चलो देखा जाए तो ये सही भी है, लेकिन अब चलो जानते हैं कि रोहित शेट्टी ने कांतारा मूवी को क्या कहा। रोहित का कहना था कि मूवी में डायरेक्टर, एक्टर और राइटर का किरदार करके भी इतनी अच्छी और ग्रेट मूवी बनाना बहुत ही मुश्किल काम है और ऋषभ शेट्टी ने ये बहुत ही बढ़िया काम किया है। दोस्तों रोहित शेट्टी एक बड़े डायरेक्टर है जिन्होंने बहुत सारी सुपरहिट फिल्में बनाई है। अब ऐसे में वो ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक ही मूवी में तीन जिम्मेदारियां संभाल के भी इतनी ग्रेट मूवी बनाना कितना मुश्किल काम है और इसीलिए ऋषभ शेट्टी कनाडा मूवी का फ्यूचर है, हम ऐसा कह सकते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट में जरूर बताना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।